Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले देसी गायों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ऐलान किया कि देसी गायों को अब से राज्य माता गोमाता का दर्जा दिया जाएगा। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में देसी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने का भी फैसला लिया गया। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि चूंकि गौशालाएं अपनी कम आय के कारण इसे वहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उन्हें मजबूत करने का निर्णय लिया गया है। ये योजना महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन लागू की जाएगी। प्रत्येक जिले में एक जिला गौशाला सत्यापन समिति भी गठित होगी। 2019 में 20वीं पशु गणना के मुताबिक देसी गायों की संख्या 46,13,632 तक कम पाई गई है। 19वीं जनगणना की तुलना में ये संख्या 20.69% कम हुई है। एक अधिकारी ने कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव से पहले आया ये फैसला भारतीय समाज में गाय के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि ये सदियों से भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में गायों की अभिन्न भूमिका को उजागर करता है। अधिकारी ने कहा कि इस फैसले से गाय के गोबर के कृषि लाभों के बारे में लोग अवगत होंगे। गाय का गोबर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और मानव पोषण में योगदान देता है। साथ ही टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों को भी दर्शाता है।